नमस्कार, इस वक्त देखना आप वीएलसी एक्सप्रेस। और वीएलसी एक्सप्रेस में आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके बीच में हूँ। दुर्ग शहर में जो देवी चित्रलेखा जी हैं, जो कथावाचक है, उनका भव्य प्रोग्राम होने वाला है, आस्था पर आधारित। ये किस तरह का आयोजन, कब से कब तक है, कितने लोग शामिल होंगे, क्या है व्यवस्था, किस तरह की रहेगी, यातायात में बदलाव होगा कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, कब से कब तक, और कौन कौन लोग यहाँ पर हिस्सेदारी बनेंगे, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यह प्रस्तुति होगी, कथा का पूरा वर्णन, पहले जन्म से लेकर कृष्ण भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन झांकी के रूप में भी यहाँ पर किया जाएगा। मथुरा वृंदावन के बहुत सारे कलाकार जिनके द्वारा यहाँ पर कुल की साज सज्जा और विशेष साज सज्जा की जा रही है। पंडाल में भी लगभग 5 से 7 हज़ार धर्म प्रेमियों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। पानी की, शौचालय की सारी व्यवस्था नगर निगम और शासन प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। दुर्ग शहर की जनता के लिए, पूरे जिले की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए आयोजकों द्वारा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, और जो धर्म प्रेमी वहाँ बैठ आ नहीं सकते, जिनको आने जाने की असुविधा हो, निम्न परिवार का हो, उनके लिए आयोजकों द्वारा वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है। 9 से ज़्यादा महिलाएं कलश लेकर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेगी। कलश यात्रा में देवी चित्रलेखा जी भी साथ साथ होगी। कलश यात्रा के पश्चात थोड़ी देर विश्राम के पश्चात पुनः 4 बजे से 2 फरवरी को यह कथा का आरंभ होगा। चित्रलेखा जी का सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं ताकि वो आए और इस धार्मिक आयोजन का आनंद ले, लाभ ले। हम 2 तारीख से आयोजित है और जिसमें सुबह 9 बजे शोभा यात्रा राम मंदिर गांधी चौक से निकाली जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि भक्ति भाव से इस आयोजन का उद्देश्य है, और इसमें विभिन्न संस्थाओं, समितियों और गणमान्य नागरिकों का सहयोग लिया जा रहा है। ना शासन प्रशासन से भी इसमें सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, और इस आयोजन को गंजपारा में करने का जो उद्देश्य है कि जन सामान्य, जन लोगों तक इसकी पहुंच हो और इसका लाभ सब लोगों को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से इसकी लगभग वहाँ जो बैठक व्यवस्था बनाई गई है वर्तमान में, उसमें कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग आराम से बैठ सकते हैं। भजन, आस्था भजन कार्यक्रम में 4 से 7 बजे तक किया जाए। मैं गिरधारी शर्मा जवाहरनगर दुर्ग में रहता हूँ, और वर्तमान में मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ अभी हाल ही में, है ना, जुलाई 2022 में, और अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू करने में ही ये भगवान की कृपा रही है कि इस टाइप के आयोजन का अवसर मिला है। चित्रलेखा जी का बड़ा भागवत कथा आयोजन दुर्ग शहर में हो रहा है, और पूरी दुर्ग की जनता इसका लाभ उठा सके, इसलिए आयोजन दुर्ग शहर में किया जा रहा है। और पूरे दुर्ग के हर वर्ग से हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर आवे और भागवत कथा का रसपान पिए। आयोजक समिति द्वारा पूरा आयोजन किया गया है, उनके कोई भी शहर का व्यक्ति यदि किसी को आने जाने में तकलीफ होगी वो हमसे कांटेक्ट करे, हम आने जाने की व्यवस्था उनको उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पर पानी व्यवस्था, बैठने कुटने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर आयोजकों द्वारा की जा रही है, और बहुत बड़े रूप में ये दुर्ग शहर में भागवत कथा हो रही है, और हम सभी से निवेदन करते हैं, पूरे शहरवासियों से, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। कैलाश रुंगटा, अध्यक्ष अग्रवाल समाज दुर्ग।